भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा हाल ही में एक बच्ची के पिता बने हैं। रोहित ने शनिवार को अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जिसे यूज़र काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ख़ास बात यह है कि इस तस्वीर के साथ रोहित ने जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने अपनी बेटी के नाम का खुलासा किया है। ट्वीट में रोहित ने अपनी बेटी का नाम बेबी शमायरा कहकर बुलाया है। रोहित के इस ट्वीट पर यूज़र्स ने खूब कमेंट भी किए और बेटी के नाम को बहुत प्यारा बताया। बता दें कि रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सचदे ने बीते 30 दिसंबर 2018 को एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी के जन्म के समय रोहित शर्मा टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे। हालांकि बेटी के जन्म की खबर मिलते ही रोहित BCCI से इजाज़त लेकर भारत वापस लौट आए हैं, जिसके चलते सिडनी में जारी चौथे टेस्ट मैच में भी रोहित शर्मा शिरकत नहीं कर रहे। 31 दिसंबर को भारत लौटते ही रोहित शर्मा ने अपनी बेटी की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर अपने फैंस को नए साल की मुबारकबाद दी थी। अब एक बार फिर रोहित ने अपनी पत्नी रितिका और बेटी के साथ वाली तस्वीर ट्वीट कर अपने फैंस को खुश कर दिया है। रोहित शर्मा 8 जनवरी को फिर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज खेली जानी है। रोहित शर्मा को वनडे टीम में शामिल किया गया है। टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा का प्रदर्शन मिलाजुला रहा। तीसरे टेस्ट मैच में रोहित ने एक अर्धशतक लगाया था, हालांकि इसके अलावा रोहित कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई T20 सीरीज बराबरी पर छूटी थी। टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का दबदबा रहा, अब वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को रोहित शर्मा की बेटी का नाम कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं, और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें क्रिक आकाश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।